प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी से प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा सरकार लगातार कोई न कोई कदम उठा रही है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश के अंदर 3 सरकारी कोरोना टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, रोहतक PGI, ESI अस्पताल फरीदाबाद और मेडिकल कॉलेज खानपुर में। इसके अलावा 5 निजी संस्थानों को भी कोरोना सैंपल टेस्ट की इजाजत दी गई है, जिनमें से 3 निजी टेस्टिंग सेंटर का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इन कोरोना टेस्टिंग सेंटर में 24 घंटे में 400 सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। 3 टेस्टिंग लैब हरियाणा में काम कर रही हैं, एक PGI रोहतक, एक मेडिकल कॉलेज खानपुर और एक ESI हॉस्पिटल फरीदाबाद। अभी तो कैपेसिटी 400 की है रोज की, और इसके साथ ही 5 हमने प्राइवेट लैब को भी इजाज़त दे दी है, और उस 5 में से 3 ने काम करना शुरू कर दिया है और सैंपल चेक करने शुरू कर दिए। वहीं अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में सरकार 5 कोरोना टेस्टिंग सेंटर और प्रदेश में स्थापित करने जा रही है। यह टेस्टिंग सेंटर मेडिकल कॉलेज नलहर, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, नागरिक अस्पताल पंचकुला एवं रोहतक PGI में एक और कोरोना टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हमने और 5 लैब्स को इंस्टॉल करने का ऑर्डर दे रखा है, और इन्हीं 2-3 दिनों में वो इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में, एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, एक अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में और एक रोहतक PGI में हम और लगाएंगे, और इसके अतिरिक्त एक सिविल अस्पताल पंचकुला में लगाने जा रहे हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिनों के लॉकडाउन का आह्वान किया गया था, जिसके बाद पूरा देश लॉकडाउन के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में यह सप्ताह काफी मुश्किल भरा है। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमातियों ने इस महामारी को और भी उग्र रूप दे दिया है, और अब सबसे पहले 1526 तबलीगी जमातियों के सैंपल की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद ही प्रदेश की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। नहीं, ये अभी हम ये हफ्ता कंप्लीट होने पर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि अब ये तबलीगियों के मामले बहुत आ रहे हैं, और अभी मैंने आदेश जारी कर दिए कि 1526 के सैंपल लिए जाएं, और वो सैंपल लेने का काम चल रहा है। 1-2 दिनों में रिपोर्ट आएगी, हमें पता लगेगा कि इनसे कितने हमें बढ़ने की उम्मीद है कि इससे आंकड़ा बढ़ सकता है, और फिर हमको ये भी जानना है कि जितने दिन ये छुपे रहे, ये कहाँ पे रहे, किसी के घर में रहे, कहीं इन्होंने मीटिंग की, कहीं पे इन्होंने प्रचार करा, तो वो भी हमको जानना है, क्योंकि उन सबको भी फिर जो प्रोटोकॉल है वो हमें अपनाना पड़ेगा। उस सारे के बाद ही जाकर हम अपना मत बनाएंगे, और वो मत हम केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे अपने प्रदेश की स्थिति के बारे में। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।